अस्सलामुअलैकुम। न्यू एक्टिविटी के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। उम्मीद करती हूँ आप बाकायदगी से अपने बच्चों के साथ एक्टिविटी कर रहे होंगे, बल्कि मैंने 3 बच्चों की एक्टिविटी देखी भी है, बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। वेल डन मोहम्मद एहाम और फैज़ान, मोहम्मद फैज़ान, दोनों ने स्पॉन्जिंग एक्टिविटी की है। वेल डन, बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी की। इसी तरह मशाल खान ने जो है वो बटन्स वाली एक्टिविटी की है। वेरी गुड, एक्सीलेंट बच्चों। और बाकी पेरेंट्स जो हमारा ये एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, प्लीज़ आप भी अपने बच्चों के साथ जब एक्टिविटी करें तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। आज हम आपके लिए एक बिल्कुल न्यू और बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी लेकर आए हैं और इंशाल्लाह आपको ये भी बहुत अच्छी लगेगी और बच्चे इसको बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो चले आज की एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने हमें इस एक्टिविटी के लिए क्या चीज़ें चाहिए। देखिए, हमने ये बॉटल कैप्स ली हैं, ठीक है। उसके अलावा ये रेजर्स हमने रखे हुए हैं, ये शार्पनर्स हैं, ठीक है। तो आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें लें। और उसके अलावा एक ये हम ये ट्वीज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्वीज़र, ये एक्टिविटी जो है ये ट्वीज़र एक्टिविटी है इसको बोलेंगे। और आपने इसको इसके ज़रिए क्या करना है कि बच्चा इसको इस तरीके से पकड़ेगा। देखें, इस तरीके से भी हमारा जो है ये फिंगर्स को देखें, जब इसको यूँ बच्चा यूँ करेगा तो इससे भी इसके उंगलियों में जो है वो उसके मसल्स जो है वो डेवलप होंगे, ठीक है। यानी ये भी हमारे फाइन मोटर स्किल्स की एक्टिविटी है। देखिए, इस तरह पकड़ेगा और फिर बच्चा इसको प्लेट में डालता जाएगा। वन बाय वन वो यहाँ से उठाएगा यूँ और यहाँ पे डालता जाएगा। देखें, हम इसको इस तरीके से, ठीक है, शार्पनर को देखें, इस तरह बच्चा लेगा और इधर रखता जाएगा। तो इससे भी जो है हम फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो डेवलप होंगे। बच्चों, आप लोगों को एक्टिविटी समझ आ गई है? यस टीचर। ओके, शाबाश, स्टार्ट करें अपनी एक्टिविटी। शाबाश, वेल डन। बिल्कुल इसी तरह आप अपने बच्चों के साथ भी एक्टिविटी करें। शाबाश बच्चे। आयान, इधर तो दिखाओ मुझे। इस तरह नहीं, इस तरह पकड़े, इस तरीके से पकड़े, इस तरह पकड़े और फिर लें जरा यहाँ से, ठीक है, इधर से। शाबाश करें। देखिए कितने आराम से बच्चे मज़े से कर रहे हैं। आप लोगों ने भी नोट किया होगा, आपके बच्चे जब एक्टिविटी करते हैं तो क्या, किस तरह उनका रिएक्शन होता है, खुश होते हैं कि नहीं? और ज़रूर खुश होते होंगे क्योंकि ये बच्चे भी काफ़ी खुशी से कर रहे हैं। देखें, रीडिंग से, हम जब रीडिंग के थ्रू बच्चों को करवाते हैं कोई चीज़ तो वो बच्चों से उकता भी जाते हैं। हम अपने सब्जेक्ट्स में भी क्लास में बच्चों के साथ काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं और उन्हीं एक्टिविटीज़ के ज़रिए वो जो हम उनको समझा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, वो उनको अच्छे तरीके से आ जाता है। तो इसमें बच्चे काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं एक्टिविटीज़ में। कोशिश करें अपने बच्चों के साथ बार बार एक्टिविटीज़ करवाएं, उनको टाइम दें। जो मैं डेली आपको कहती हूँ कि अपने बच्चों को टाइम दें। आजकल तो सभी फारिग हैं, कोई काम काज नहीं है। मदर्स का तो है लेकिन फादर्स का नहीं है। तो अच्छा है हम अपने बच्चों को टाइम दें और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होते जाएंगे। This activity improve eye and hand coordination, his fine motor skills and as well as the stability with his elbow and the shoulder. देखें बच्चे वापस उस सारे material को उसी तरीके से tweezer के ज़रिए उठा के वापस प्लेट में रख रहे हैं। इसी तरह आप भी करवाएं। एक मरतबा जब वो सारे चीज़ें, सारे मटेरियल जो है वो एक प्लेट में शिफ्ट कर दें तो दोबारा उस प्लेट से पहली वाली प्लेट पे वापस रखवाते जाएं। देखें बार बार बच्चे इस एक्टिविटी को दोहरा रहे हैं। आप देखें गौर से, बिल्कुल यही तरीका है। इसी तरीके से आप लोग करें। तकरीबन 1 घंटे तक तो बच्चों को यही करने दें, बिज़ी रहेंगे और
मज़े से लगे होंगे, आप लोगों को भी तंग नहीं करेंगे, ना तो पैसे मांगेंगे कि हम शॉप पे जा रहे हैं हमें पैसे दें, और बस मज़े से लगे होंगे। इट इज़ अ गुड कंसंट्रेशन एक्सरसाइज। कोशिश करें कि पिछली एक्टिविटीज़ भी नई एक्टिविटी के साथ बार बार करवाते जाएं। पिछली एक्टिविटीज़ आपको ज़रूर याद होंगी, स्पॉन्जिंग एक्टिविटी, बटन्स वाली एक्टिविटी हमने की थी, उसके अलावा हमने की थी बनाना कटिंग की, पील ऑफ पीस की, और बीन्स वाली एक्टिविटी हमने की है। तो ये हमारी 6 डे की एक्टिविटी है, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये तमाम एक्टिविटीज़ ज़रूर पसंद आ रही होंगी। अच्छा चले बच्चे, आप लोग एक्टिविटी ख़त्म करें, शाबाश, और चीज़ें उठा के ऊपर रख दें, शाबाश, वेल डन, गुड, शाबाश। देखें बच्चे बाकायदा अपना काम जो है वो खुद कर रहे हैं, खुद चीज़ें लाते हैं और ख़ुद ही लेके जाते हैं, शाबाश। अब हम आज का कलर करेंगे, क्योंकि कल हमने ग्रीन कलर की एक्टिविटी की थी और ग्रीन कलर के बारे में बच्चों को बताया था। आज हम बताएंगे कलर, येलो कलर आज हम कर रहे हैं। अच्छा बच्चों देखें कौन सा कलर है ये, येलो। विच कलर इज दिस, येलो। विच कलर इज दिस, येलो। ओके नाउ लुक एट हियर, ये देखें क्लिप, दिस इज क्लिप, क्लिप। विच कलर ऑफ द क्लिप, येलो। विच कलर ऑफ द क्लिप, येलो। कौन सा कलर है इसका, येलो। ओके अच्छा ये देखें, विच कलर इज दिस, येलो। एंड व्हाट इज दिस, डू यू नो, शार्पनर। बिल्कुल सही, वेल डन। अच्छा विच कलर इज दिस, येलो। कौन सा कलर है, येलो। कौन सा कलर है, येलो। येलो अच्छा आप लोगों ने ये कभी खाया है, ये क्या चीज है, मैंगो। क्या चीज है, मैंगो। मैंगो शाबाश, अब आप ये लें, एक एक दोनों बच्चे लें, शाबाश, एक एक मैंगो लें और इसको कलर करें। विच कलर इज दिस, येलो। विच कलर इज दिस, येलो। एंड व्हाट इज दिस, मैंगो। व्हाट इज दिस, मैंगो। वेल डन, शाबाश, ये लें बच्चा।